नमस्कार, i24 में आपका स्वागत है। मैं सुमन चौधरी, हमारे इस वक्त मैं खड़ी हूँ वाटर वर्क्स पुगल में, जो सरकारी भवन बना हुआ है। ये राम रतन जी वर्मा है, ये अवैध रूप से 4-5 साल से यहाँ रह रहे हैं सरकारी क्वार्टर में। नमस्कार राम रतन जी। नमस्कार। ये आप यहाँ कितने सालों से निवास कर रहे हैं? 3-4 साल। नहीं, ये तो सामने कर, आप यहाँ अवैध रूप से रह रहे हो ना? हाँ जी। तो ग्रामीणों का कहना है, हमने कई बार जो SDM है, MLA है, सबको हमने लिख में दिए है, जैन साहब को, उसके बाद ही आप जो है यहाँ से नहीं निकले, कोई वजह नहीं है? तो मेरे पास कोई आया नहीं, मैं अभी क्वार्टर देख नहीं गया था, क्वार्टर देख रहा हूँ, मिल गया। 3-4 साल से क्वार्टर देख रहे हो, लेकिन किराए के लिए 3-4 साल से क्वार्टर नहीं मिला? 3-4 साल से की बात नहीं, ये तो इनसे पूछ के ही मैं नहीं। बाकी आप यहाँ, आपने अभी यहाँ बताया कि आप डिग्गियों का काम संभालते हैं, ये सही है? नहीं, डिग्गियों का नहीं संभालते। फिर अभी तो आपने कहा कि हम डिग्गियों का काम, कोई काम है जैसे बिल्डिंग का काम है या कोई और है, उस तरह निकलता है तो वो मैं निकाल देता हूँ। वो आप निकाल देते हो, ये आपका रोजगार है? हाँ, वो आप कर लेते हो। लेकिन आप यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हो, इसका क्या मतलब है? ये तो सरकारी क्वार्टर है। नहीं, हमने कोई कब्जा तो नहीं किया, इनसे पूछ के ही बैठे हैं, कोई दिक्कत। ग्रामीणों ने कई बार विरोध किया आपका? मेरे पास तो कोई लगा नहीं, और हमें कहेंगे कर्मचारी को बोलेंगे, इनको बोलेंगे। नहीं, ऊपर से दबाव इन कर्मचारियों पे आ रहा है कि कर्मचारी इनकी बार बोल दिए, इनको पूछो कितनी बार बोला है आपको, फिर आप यहाँ से क्यों नहीं उतरेगा? राम रतन जी वर्मा जो है हमारे साथ खड़े हैं, 4-5 वर्ष से हैं यहाँ अवैध रूप से यहाँ बैठे हुए हैं अपनी फैमिली के साथ। कर्मचारियों ने कई बार इनको कहा कि एक क्वार्टर खाली कर दो, लेकिन ये अभी तक यहाँ से नहीं गए। ग्रामीणों का कहना है कि हमने जेईन को भी कई बार लिखित में दिया, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द ये सरकारी क्वार्टर खाली करवाया जाए और कर्मचारियों की जो मांग है वो पूरी की जाए। कैमरामैन शुभम के साथ मैं सुमन चौधरी।